वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि गेमिंग माउस के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको गेमिंग माउस परचेस करना है तो आप यहाँ पे कौन सा परचेस करें और यहाँ पे कौन सा अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि गेमिंग माउस, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ, जो कि यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 500 रुपीज़, जो कि 499। तो यहाँ पे 499 में आपको यहाँ पे एक बेस्ट गेमिंग आपको यहाँ पे माउस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 3 माउस यहाँ पे परचेस कर चुका हूँ, यहाँ पे जो ये फोर्थ आप जो कि माउस है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसके कारण यहाँ पे मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई में आपको यहाँ पे मिल जाता है ये माउस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो माउस का आपको यहाँ पे रिव्यू मिल जाता है, जो कि देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पे 6 बटन्स देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लेफ्ट बटन, उसके बाद राइट बटन, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉलिंग व्हील, उसके बाद मिडल बटन, उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड बटन, उसके बाद यहाँ पे बैकवर्ड बटन, और यहाँ पे DPI स्विच बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो रेजोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रेजोल्यूशन, यहाँ पे 1600 DPI बाई डिफॉल्ट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो 6D वाइड गेमिंग माउस आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो गेमिंग माउस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे माउस नॉट वर्किंग, जो कि इंश्योर योर कंप्यूटर इज कंपेबिलिटी विद दिस सिस्टम रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आपको कुछ यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे माउस देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको 2 कीज़ आपको यहाँ पे इस तरफ देखने को मिल जाता है, ये जो है यहाँ पे व्हील है, उसके बाद यहाँ पे राइट लेफ्ट, और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि देख सकते हो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 की, जो कि यहाँ पे और एक की कहाँ है भाई, यहाँ पे 6 की मेंशन किया गया है, जो कि ओके यहाँ पे एक की है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक की मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इसके अंदर आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लग इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं प्लग इन कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच होते रहता है लाइट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू हो चुका है, इससे पहले यहाँ पे येलो था। तो यहाँ पे गेमिंग माउस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ आपको, यहाँ पे मैं जो कि यहाँ पे कलर बता देता हूँ इसके अंदर कैसा है, तो यहाँ पे मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे गेमिंग माउस, जो कि बेशक आप यहाँ पे परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है कीबोर्ड का भी आपको यहाँ पे जो कि कीबोर्ड भी मिल जाता है गेमिंग कीबोर्ड, उसको भी यहाँ पे मैं परचेज करके आपके लिए रिव्यू लाऊंगा, जो कि यहाँ पे गेमिंग की कीबोर्ड जो कि कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको माउस होना तो आप बेशक ये माउस के साथ जा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको स्क्रू जो है यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, अगर आपके माउस में यहाँ पे कुछ डिफेक्ट हो जाता है, आप यहाँ पे इजीली रिमूव करके अपने जो कि माउस को आप इजीली यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको हैंडी बहुत ही ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे आपको हैंडल करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, जो कि यहाँ पे एक गेमिंग माउस है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आपको जो है जो कि माउस आप यहाँ पे हैंडल करोगे, तो यहाँ पे जो कि आपके हाथ में यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंपेबिलिटी हो जाएगा। तो बेशक अगर आप यहाँ पे परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे माउस देखने को मिल जाता है। और ये माउस का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है जो कि 499, जो कि 500 रुपीज़। और यहाँ पे 500 रुपीज़ के कंपेरिजन में यहाँ पे मैं HP का भी माउस ले चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर आपको यहाँ पे लाइटिंग आपको फ्यूचर्स नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे लाइटिंग फ्यूचर्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का आपको यहाँ पे मिल जाता है माउस। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का यहाँ पे माउस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं बहुत सारे माउस परचेस किया हूँ, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, जो कि यहाँ पे आप बेशक इसको परचेस करके यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको जो है जो कि ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हो वाइड गेमिंग माउस, जो कि यहाँ पे आपको रेटिंग 5 वोल्ट्स और आपको यहाँ पे 100 एम्पीयर का सपोर्ट मिल जाता है, मेड इन चीना आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्वालिटी टेस्टेड मिल जाता है, और यहाँ पे इसको जो वारंटी है 1 ईयर आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्लिपकार्ट को आप कंप्लेंट करके इसको रिप्लेसमेंट भी करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये जो है माउस परचेस करना है तो बेशक परचेस कर सकते हो, माउस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको यहाँ पे ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे PC और यहाँ पे जो है टेक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।